हेलो फ्रेंड, धाट और जगन्नाथ ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे और खुश होंगे और हमेशा खुश रहें। तो दोस्तों, अभी हम घर में हैं और ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा टूटा फूटा घर है। तो चलिए, आप लोगों को वीडियो में आगे ले चलते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, अभी हम घर से बाहर आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे घर के बगल में एक गुलर का पेड़ है जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए कितना सारा फल हुआ है। तो आज हम इसी को तोड़ के सब्जी बनाने वाले हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा इसका सब्जी कैसे बनता है, किस तरीके से बनाया जाता है। और आप लोग देख के भी सीख सकते हैं, कभी कभार आप लोग इसका भी सब्जी बना के खा सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये पहले धोना पड़ता है क्योंकि इसमें दूध जैसा निकलने लगता है, इसीलिए हम धो के इसको फिर काटेंगे। तो ये देखिए इस तरह काटना पड़ता है और इसको काट के फिर इसको कढ़ाई में डालेंगे। इसको काटा हुआ हो गया, ये देखिए कढ़ाई में डाल दिए। अब इसमें हम पानी डालेंगे, आप देख सकते हैं। ज़्यादा पानी मत डालिएगा क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको सिझाने में। तो कम पानी में ही सिझाने से अच्छा रहता है, जल्दी हो जाता है। ये देखिए हम लोगों का मिट्टी का चूल्हा और दो साइड खाना पकता है इसमें। तो अभी फ़िलहाल इसी का सब्ज़ी बनाएंगे। चावल तो पहले ही बन गया है, तो अभी इसका सब्ज़ी बनाएंगे। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए पूरा उबल रहा है। आप लोग देख सकते हैं इसका भाप भी, देखिए कितना और हो गया सिझाया हुआ। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए कैसे सिझाना पड़ता है। इस तरह आप लोग भी सिझाइएगा और सिझा के इसको छांकना पड़ता है। और छांक के इसको फिर दोबारा अच्छा वाला पानी में फिर से धोएंगे। और धोया हुआ हो गया दोस्तों, ये देखिए धो के रख दिए हैं, सब सामने है। अभी सरसों का तेल डाल रहे हैं, ये देखिए। और अभी गरम हो गया तो सूखा मिर्च डाल दिए और इसमें प्याज डालेंगे। प्याज ज़्यादा नहीं डालें, कम ही डालें जितना कि तेल है। और इसमें प्याज डाला हुआ हो गया, इसमें अभी मसाला डालेंगे जो कि धनिया जीरा सब एक ही जगह पीस दिए थे मेरी माँ, और हल्दी डाल दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें आधी लहसुन भी दे देते हैं ताकि अच्छा लगेगा खाने में और टेस्टी बनेगा। आधी लहसुन तो देना ही देना है क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर आप रेसिपी बनाते हैं, सब्जी वगैरह, तो आधी और लहसुन देने से क्या होता है कि उसका गंध जो होता है वो दूर हो जाता है और उसका अच्छा सुगंध आने लगता है अदरक और लहसुन देने से। आप इसमें तेज पत्ता भी दे सकते हैं, कड़ी पत्ता भी दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे घर में नहीं है तो इसी से अभी बना रहे हैं। और ये देखिए डाल दिए जो गुलर का फल जो काट के सिझाए थे। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लगता है देखने में।
क्या आप लोग गुलर का फल खाए हैं कभी, पका हुआ या फिर सब्जी बना के? कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और ये देखिए अभी नमक डालेंगे इसमें, नमक कम मात्रा में डाला तो हम फिलहाल अभी थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल रहे हैं, इसलिए कि इसमें हम टमाटर देने वाले हैं। टमाटर देने से क्या होता है, नमक थोड़ा कम लगने लगता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा हल्का सा हम कुछ नमक ज़्यादा दे दिए ताकि खाने में कुछ अच्छा लगे और लिमिट का सब्जी बन सके। टमाटर भी काट के रखे हैं दोस्तों, अभी इसको अच्छी तरह से भूजेंगे, उसके बाद ढकना पड़ेगा थोड़ा देर के लिए। गांव देहात में ये सब ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और बाज़ार जैसे कि हम लोग मार्केट बोलते हैं, वह मार्केट उस सब जगह में थोड़ा कम मिलता है, तो गांव देहात में ज़्यादा मिलता है और गांव देहात के लोग ही ज़्यादा खाते हैं। बहुत विटामिन चीज है ये सब, खाना ज़रूरी है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन भी पाया जाता है और शरीर के लिए अच्छी लाभदायक साबित होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए टमाटर भी दे दिए, इसको फिर भूजना पड़ेगा, सिझाना पड़ेगा थोड़ा। अभी धूप में ही खाना बना रहे हैं, खाना बनाया हुआ, चावल बनाया हुआ तो हो गया, तो सब्जी अभी बन रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं टमाटर धीरे 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 करके गल रहा है, जब पूरी तरह से गल जाए इसमें फिर पानी भी डालेंगे इसमें। पानी डालने से मसाला वगैरह ठीक तरह से मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। अभी फिर दोबारा ढक दिए, क्योंकि अभी टमाटर ठीक तरह से गला नहीं है। इसका दोस्तों आप आलू का जिस तरह भुजिया बनता है उसी तरह आप भुजिया बना के भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। हम तो पहले भी खाए हैं और अभी बना रहे हैं, तो हमको तो लगता है हमारे घर में अभी जो बना रहे हैं सब कोई खाएगा, और हम तो पहले से खा चुके हैं और खाए हैं, तो इसीलिए हम इसका सब्जी बना रहे हैं। इसमें अभी पानी डाल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि धूप भी है और ज़्यादा पानी डालने से ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो उतना जितना सब्जी है उसके हिसाब से पानी डाल दिए हम। गल रहा है,
और जब भी कोई भी सब्ज़ी बनाइएगा तो ज़्यादा आँच में मत बनाइए, कम आँच में धीमी धीमी करके, जब आग जलेगी तो ठीक तरह से पक जाएगा। ज़्यादा आँच देने से क्या होता है, जलने का एगो संभव ज़्यादा रह जाता है, इसलिए ज़्यादा आँच मत दीजिएगा, कम कम करके आग लगाइएगा, जलाइएगा तो ठीक तरह से पक जाएगा। ये देखिए आप लोग पक गया, हो गया, अब उतार रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसे लगा, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।